एक समय की बात है, बचपन के दो दोस्त थे जिनका नाम हैरी और पीटर था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। वे एक साथ बड़े हुए और अपने अपने करियर में प्रवेश किया। उनमें से हैरी तो अपनी छोटी सी कमाई से काफी खुश था, लेकिन पीटर बहुत लालची था और हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे अधिक धन कमाया जाए, और वह छोटी कमाई से खुश नहीं था। लेकिन इससे उन दोनों की सच्ची दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। पीटर की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति जैक से हुई, जिसने उसे कहा कि वह उसे अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकता है, बशर्ते वह उसके काम करने के तरीके का अनुसरण करे। पीटर वह करने के लिए सहमत हो गया जो जैक उससे कराना चाहता था। जैक एक अपराधी था और उसने स्कीमिंग गतिविधि करके एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को धोखा देने के लिए अंततः पीटर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। धीरे धीरे पीटर बहुत सारा पैसा कमा सका और एक अमीर आदमी बन गया। उसके बचपन के दोस्त हैरी को एहसास हो गया था कि पीटर पैसे कमाने और अमीर आदमी बनने के लिए कुछ गैरकानूनी काम कर रहा होगा। यह समझकर वह पीटर से कतराने लगा और आखिरकार दोनों दोस्तों के बीच दूरियां आ गईं। पीटर ने बहुत सारा पैसा कमाया और अमीर व्यक्ति बनने के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। करीब 10 साल बीत गए। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दिल से एक दूसरे को कोई नहीं भूलता। अचानक पीटर को अपने व्यवसाय की देखभाल करने और अधिक पैसा कमाने में मदद करने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसे अपने पुराने दोस्त हैरी की याद आई और उसने उसकी और उसके ठिकानों की खोज शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि हैरी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, और उसे अपनी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। पीटर जानता था कि अगर वह हैरी को पैसे देगा तो वह नहीं लेगा, क्योंकि उसने बेईमानी से पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करना चाहता था और 6 लाख रुपए के अस्पताल के सभी खर्चों का भुगतान इस बहाने से करना चाहता था कि यह पैसा एक चैरिटी फंड से आया है। जब हैरी अपनी बीमारी से उबर गया और उसने पूछा कि पैसे कैसे आए, तो उसे पता चला कि यह उसका बचपन का दोस्त पीटर है जिसने पैसे की व्यवस्था की थी। हैरी क्रोधित हो गया और पीटर से मिला और उससे पूछा कि उसने उसके पैसे क्यों चुकाए। पीटर ने सरलता से उत्तर दिया, जरूरतमंद दोस्त वास्तव में एक दोस्त होता है,